नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। हम इस पर स्कूल के पड़ोस में लोगों से बात करना चाहते हैं, मगर अब जबकि हमारा पीछा किया जा रहा है, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने किसी दरवाजे पर दस्तक दी तो उस सफेद कार में सवार लोग जो हमारा ताकुब कर रहे हैं वो उनसे पूछगछ करेंगे और हम उन्हें मुश्किल में डाल देंगे। शिनजियांग के उइगरों के बाद चीन का अगला निशाना मंगोल कम्युनिटी बन गई है। इनके साथ वही सलूक हो रहा है जो अभी तक उइगर मुसलमानों के साथ होता आया है। इनर मंगोलिया की धरती से पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई जाएगी, साथ में यह भी दिखाया जाएगा कि यहां पर चाइना पुलिस के लोग कैसे सफेद कपड़ों में उन पत्रकारों का पीछा करते हैं जो यहां पर कवरेज के लिए जाते हैं। आज की घड़ी किसी विदेशी नागरिक का इनर मंगोलिया में प्रवेश करना कितना मुश्किल है, वे आगे वीडियो में आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इनर मंगोलिया में चीन ने वहां के नागरिकों की धार्मिक पहचान और उनकी भाषा को खत्म करने का जबरदस्त अभियान चलाया हुआ है। चीन ने मंगोलियन भाषा खत्म करके या मंडारिन भाषा को उन पर लाद दिया है, यानी वहां प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के टीचर मंगोलियन की जगह मंडारिन भाषा का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब यह है कि हर इंसान की अपनी एक स्वाभाविक भाषा होती है जिसमें सोचने महसूस करने की आदत होती है, उसे वो भाषा जिसके साथ उसके पुरखों का ज्ञान उनकी छोड़ी हुई विरासत जुड़ी होती है। अगर चीन उनकी ये भाषा छीन लेता है तो भविष्य में वे चीनी संस्कृति पर निर्भर हो जाएंगे, जबकि इनर मंगोलिया में रहने वाले एथनिक मंगोलियंस अपनी मूल संस्कृति और पहचान खत्म करने के खिलाफ लामबद्ध हो गए हैं। जहां तक इनर मंगोलिया की बात है तो यह चीन का पांचवा स्वायत्त प्रांत है। यह चीन की उत्तरी दिशा में स्थित है। इससे ठीक सटा हुआ मंगोलिया है जो कि एक अलग देश के रूप में जाना जाता है। इसे आउटर मंगोलिया भी कहा जाता है। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगोलिया के दौरे पर गए थे। इस दौरे पर उनकी यह तस्वीर काफी वायरल हुई थी। साल 1911 में जब चिंग साम्राज्य हुआ और चीन रिपब्लिक ऑफ चाइना बना तो मंगोलिया में भी आजाद होने की भावना ने जोर पकड़ा था। इसमें रूस ने मंगोलिया की भरपूर मदद की थी। रूस की मदद से मंगोलिया 1924 में आजाद देश बन गया, मगर यह आजादी पूरे मंगोलिया को नहीं मिल पाई। केवल रूस की सीमा से सटा आउटर मंगोलिया ही आजाद देश बन पाया। चीनी भूभाग से सटे इनर मंगोलिया को चीन अपने पास रखने में कामयाब हो गया। जानकर आश्चर्य होगा कि चीन के कुल भूभाग में इनर मंगोलिया का हिस्सा 12% के करीब है, मगर 2% चीनी नागरिक भी यहां नहीं रहते हैं। 70 के दशक से मंगोलिया पर चीन के अत्याचारों में तेजी आई है। माओ के शासनकाल में चीन ने कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पर यहाँ पर 1,00,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। स्थानीय मंगोल नेताओं की चुन चुन कर हत्या कर दी गई। जो भी इंसान स्थानीय आबादी को एकजुट कर सकता था, उन्हें प्रभावित कर सकता था, उसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया। यानी जिस तरह तिब्बत के बौद्ध और शिनजियांग के उइगर प्रताड़ित होते आए हैं, वैसे ही इनर मंगोलिया की मंगोल आबादी के साथ भी होता रहा है। इनर मंगोलिया में बौद्ध समुदाय होने के बावजूद उन्हें दलाई लामा जैसा लीडर नहीं मिल पाया, जिससे उनके नरसंहार और चीन के अत्याचारों की खबरें सामने नहीं आई। परंतु अब चीन द्वारा अपनी जनता पर किए जा रहे अत्याचार की खबरें धीरे धीरे सामने आने लगी है। बहुत से पत्रकार जान हथेली पर रखकर ऐसे इलाकों में पहुंचने में कामयाब हुए हैं जहां चीन का खोपराक चेहरा सामने आता है। यह रिपोर्ट एक ऐसे ही पत्रकार ने जुटाई है जो तमाम खतरों से जूझते हुए इनर मंगोलिया में घुसने में कामयाब हो पाया। संभवतः इसी पत्रकार की बदौलत हमें भी इनर मंगोलिया की परिस्थिति को जानने का अवसर मिला है। साथ ही यह भी पता चलेगा कि यहां पर चीन किस तरह से एक बड़ी आबादी पर निरंकुशता से अपने अधिकार थोप रहा है। आइए देखते हैं इस पत्रकार की यह रिपोर्ट। चीनी मंगोल अपने बच्चों को इस नस्ली अकलियत के लिए मखसूस स्कूल से निकालकर एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत ने मैंडारिन के फरोह के लिए तदरीस में मुकामी जबान का इस्तेमाल कम कर दिया है। दूसरे नस्ली ग्रोहों की तरह ये भी बीजिंग पर जम करने की गरज से उनकी सकाफत को मिटाने का इल्ज़ाम लगाते हैं। हुकाम कहते हैं कि फांस का बांस बनाया जा रहा है। तो हमने सूरत हाल जानने के लिए इनर मंगोलिया सूबे का सफ़र किया। नस्ली मंगोल आबादी का 20% से कम हैं। इनमें से सिर्फ आधे अपनी जबान बोलते हैं। यहाँ लोग रिवायती तौर पर खानाबदोश चरवाहे थे, मगर मुख्तलिफ सरकारी मंसूबों और तरक्की ने वो सब ख़त्म कर दिया है। ये मुमताज़ सकाफत जबान की डोरी से बंधी हुई है, मगर अब यहाँ कुछ लोगों का ख्याल है कि उनकी जबान उनसे छीनी जा रही है। अरे, हम यहाँ पहुँच गए। पुलिस ने तलाशी के लिए हमें यहाँ रोक लिया है। हमसे शनाख्ती कार्ड वगैरह मांग रहे हैं, मगर जरा आगे अहलकार हमारा इंतजार कर रहे हैं। चीन में गैर मुल्की सहाफियों के लिए ये नई बात नहीं है।
अब सादा कपड़ों वाले हर जगह हमारा ताकुब करेंगे। हमने प्रोपेगंडा बैनर लगे स्कूल देखे जिन पर तलबा के लिए मैंडरिन बोलने का प्रचार किया गया है। हम इस पर स्कूल के पड़ोस में लोगों से बात करना चाहते हैं, मगर अब जबकि हमारा पीछा किया जा रहा है, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने किसी दरवाजे पर दस्तक दी तो उस सफेद कार में सवार लोग जो हमारा ताकुब कर रहे हैं वो उनसे पूछगछ करेंगे और हम उन्हें मुश्किल में डाल देंगे। मैंने एक सरकारी एहलकार से बात करने की दरख्वास्त की, लेकिन जब मैंने एहतजाज के बारे में पूछा तो देखो कैसे लाइन कट गई। है ना अजीब बात, सारा वक्त हमारे दोस्त देख और सुन रहे हैं। इस स्टोरी को कवर करने वाले तमाम दूसरे रिपोर्टरों को सूबे से निकलने का हुक्म दिया गया था। हम वापस जाने ही वाले थे कि हमारे लिए एक स्कूल के दौरे का इंतजाम कर दिया गया। सूबे के दूसरे बहुत से स्कूलों के बरक्स यहाँ तलबा और बशमूल प्रिंसिपल असातिज़ा की अक्सरियत नस्ली मंगोल है। हमारे इस दौरे की अक्सबंदी की गई बज़ाहिर मुकामी चैनल के लिए। प्रिंसिपल का कहना है कि सकाफती तालीम जैसा कि मंगोल जबान में लिखाई अहम है, मगर मैंडरिन में महारत से चीन में खुशहाली का दरवाज़ा खुलता है। उनके ख्याल में बाज़ वालदैन तब्दीली से मुतालिक खलजान में मुब्तला हैं। उनका ख्याल था कि तमाम तदरीस मैंडरिन जबान में होगी, मगर ऐसा नहीं है, सिर्फ 3 क्लासें हैं। लेकिन हर शख्स ये मानने को तैयार नहीं। इनका मकसद बिल्कुल साफ है कि मंगोल जबान को तालीमी निजाम से निकाल दें, और बस मंगोल इसे सकाफती नस्ल कुशी समझते हैं। वालदैन को अपने बच्चे फिर से स्कूल भेजने पर रजामंद करने के लिए पैसे का लालच और सजा की धमकियां दी जा रही हैं। ये तलबा अपनी मादरी जबान के मुस्तकबिल की जंग में फंस गए हैं, मगर ये कंट्रोल की बात भी है और ये सवाल भी कि इस मुल्क का शहरी होने का क्या मतलब है अगर आप हान चीनी नहीं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।